हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जय भीम मूवी के बिहाइंड द सीन्स और इस मूवी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मूवी 1993 में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मद्रास में एडवोकेट चंदूर द्वारा लड़ा गया एक केस पर आधारित यह फिल्म है। फिल्म की कहानी सिंगनी और राजकुन्नू नामक इरुला आदिवासी जोड़े और उन पुलिस की जातियों पर आधारित है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबीके फैक्ट चैनल। अगर आप भी जय भीम मूवी के फैन हो या बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा कि जय भीम मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। यह सीन मूवी की स्टार्टिंग का है, जब इरुला आदिवासी एक जमींदार के खेतों में चूहों को पकड़ते हैं। आप इस सीन का बिहाइंड द सीन देख सकते हैं, जिसमें चूहों को पकड़ने वाले सीन को और रास्ते से जाने वाले सीन को शूट किया जा रहा है। आप इरुला आदिवासियों को गांव की शूटिंग करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप मूवी के सेट को तैयार करते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी को साउथ के फेमस डायरेक्टर टीजी ग्यानवेल ने डायरेक्ट किया है, जो साउथ के जाने माने फेमस डायरेक्टर हैं। टीजी ग्यानवेल सर का एक झलक यहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने मूवी में यह सीन तो देखा ही होगा, जिसमें चंद्रू और सिग्नी ऑटो से चेन्नई हाईकोर्ट जाते हैं। आप इस सीन का बिहाइंड द सीन देख सकते हैं, जिसे ब्लू बैकग्राउंड पर शूट किया गया था। आप ब्लू बैकग्राउंड के सेट को देख सकते हैं, इसे चेन्नई की सड़कों पर ही शूट किया गया था। यह सीन उस टाइम का है जब सिंगनी एडवोकेट चंद्रू के पास अपने पति राजकुन्नू के लगे आरोप के बारे में बताती है। आप इस सीन का बिहाइंड द सीन देख सकते हैं। किसी भी मूवी को परफेक्ट बनाने के लिए प्री प्रोडक्शन का काम मूवी के शूटिंग के पहले ही कर लिया जाता है। आप इस सीन का स्टोरी बोर्ड एनिमेशन देख सकते हैं। आपको जो मूवी में चेन्नई हाईकोर्ट दिखाया गया था, उसे ब्लू बैकग्राउंड पर शूट करके दिखाया गया है, जिसे बाद में 3D बैकग्राउंड वाले VFX लगाकर दिखाया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मूवी का 25% हिस्सा CGI एंड ब्लू बैकग्राउंड के जरिए तैयार कराया गया था। आप इस सीन का BTS स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप यहां चेन्नई हाईकोर्ट के बनने वाले सेट को देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के सेट को चेन्नई की BP फिल्म सिटी में तैयार कराया गया था। मूवी के सारे सेट को तैयार करने के लिए 500 से ज्यादा वर्कर की हेल्प लेनी पड़ती थी। यहाँ आप टीजी ग्यानवेल सर को सेट को तैयार करवाते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इन सारे सेट को चेन्नई में ही तैयार कराया गया था। दोस्तों, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी करी है SRK का तहिर ने, उनकी झलक आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, यह सीन उस टाइम का है जब सूर्य यानी एडवोकेट चंद्रू सिंगनी को लेकर राजकुन्नू को ढूंढने केरल जाते हैं। आप इस सीन का बिहाइंड द सीन्स देख सकते हैं।
यह सीन तब का है जब एडवोकेट चंद्रू और सिग्नी चाय वाले फोन बूथ पर राजकुन्नू की तलाश कर रहे होते हैं। आप इस सीन का बिहाइंड द सीन्स देख सकते हैं। इस सीन को केरल के पहाड़ी इलाकों में शूट किया गया है, इसे आप शूट होते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वाले बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हैं कि चंद्रू सिग्नी को और उसके बच्ची को कपड़े और चप्पल पहनाते हुए दिख रहे हैं। आप इस सीन का बिहाइंड द सीन शूटिंग होते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह सीन नाइट का है जब एडवोकेट चंद्रू और सिग्नी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। आप इस सीन की शूटिंग होते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने सूर्या के विक्रम मूवी के बिहाइंड द सीन्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, लिंक कमेंट में है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जय भीम मूवी की। दोस्तों यहाँ आप लोग चेन्नई हाईकोर्ट के अंदर के शूटिंग होते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे कुछ इस प्रकार से शूट किया जा रहा है। दोस्तों मुझे तो यह मूवी बहुत ही अच्छी लगी। आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं जय भीम मूवी के बिहाइंड द सीन्स पर बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।